अच्छे से गुरु मिलना चाहिए। तो मेरी एक सहेली है चेन्नई का, उन्होंने शुभाताई के बारे में मुझे बोला और मैंने शुभाताई को मिलने के लिए बॉम्बे आई। तो उन्होंने बोला ठीक है शुभाताई, सेड व्हेनेवर यू कम टू बॉम्बे यू जस्ट स्टे विथ मी, क्योंकि मुझे इधर कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब जब भी मुझे टाइम मिलती थी मैं आती थी और उनके साथ ही रहती थी, यू नो, 4-5 दिन उनके साथ एकदम मस्ती, खाना गाना, और रात रात तक बैठ के मुझे इतनी अच्छी सुंदर गजलें उन्होंने सिखाई, और पूरा जो भी मेरा प्रोनाउंसिएशन है उन्होंने ही मुझे ठीक किया। कि और बिगिनिंग में मैं तो मुझे रोना आती थी क्योंकि मुझे आ ही नहीं रही थी वो ये प्रोनाउंसिएशन। तो बोलती थी नहीं तुम 100 बार अभी अभी बैठ के बोलो ये, और तुमको गजल गाना है तो तू उर्दू कुछ भी नहीं, ऐसे यू कांट जस्ट डू सम यू नो शॉडी जॉब ऑफ इट। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू हर एज टू हाउ टू थ्रो द वॉइस फॉर गजल, फील से महसूस कैसे करना है, ये सब जो भी है उन्होंने ही सिखाया। तो बिग बिग थैंक्स टू हर, शी इज लाइक माई सेकेंड मदर। अब मैं आपको परेशान करने जा रहा हूं, क्योंकि अब मैं आपसे एक ट्रिकी सवाल पूछता हूं। आपने गजल का नाम ले लिया, तो मैं सिर्फ तीन कलाकार बता रहा हूं, मेहदी हसन, गुलाम अली साहब और जगजीत सिंह जी। इन तीनों की आपकी जो फेवरेट गजल हो, उसकी एक एक लाइन गुनगुना दीजिए। अब फेवरेट गजल अच्छा, चुनना आपके लिए मुश्किल होगा मेरे ख्याल से। बात करनी मुझे मुश्किल, कभी ऐसे तो नहीं जैसी अब है, जैसी अब है, जैसी अब है तेरी ऐसी तो न थी, बात करनी आपका हो गया। अभी गुलाम अली जी का अब इस कवे भी न चाहो के दम निकल जाए, अजीज इतना हिरखो के जी संभल जाए। तो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट गजल्स ऑफ गुलाम अली जी। थोड़ा जोकाउंस मिश्र मालकाउंस के रूट में है ये। जगजीत जी रह गए। जी, अरे आप आपको बोलना चाहिए था, ये सब मैं प्रिपेयर करके आती थी। शाम से आँख में नमी क्या बात है, सी आज को तेरा दरा श्याम से आँख में
नमी सी है शाम से आँख में, नमी सी है आज फिर आपकी कमी सी है शाम से आँख में, नमी सी है आज फिर आपकी कमी सी है शाम से आँख में, नमी सी गायत्री, है। अब ठीक सुना है है कि भी इसी लाइन में गुनगुना ही दीजिए, क्योंकि अहमद फराज साहब को कैसे भूल सकते हैं, और उस गजल को तो आपने बहुत गाया है वो तो मेरी ही एल्बम का है, जी, इसीलिए। तो ये भी जो मैंने करेज लिया कि एक पूरा एल्बम रिलीज करना, वो उर्दू एल्बम रिलीज करना, मेरे लिए तो इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज केरला से आके कंप्लीटली प्रोड्यूस एन उर्दू एल्बम, एंड लकीली बाय गॉड्स ग्रेस मुझे अच्छा सा लॉन्च मिला। पंकज उदास जी ने लॉन्च किया खजाना फेस्टिवल में। अभी सभी जगह में व्हेनेवर आई गेट अ गजल महफिल आई सिंग इट ऑल द टाइम। इसीलिए अहमद मैंने ये फराज जी का रिक्वेस्ट की। तो थैंक यू थैंक यू। और अहमद फराज जी का सच ब्यूटीफुल रोमांटिक लिरिक्स है, इतना खूबसूरत उन्होंने लिखा है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लो सुना है खराब हालों से, खराब हालों से, खराब खराब हालों से सपने क्या बात है। करके देखते हैं, सोच के शहर में कुछ दिन क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद गायत्री, बहुत मजा आया इस बातचीत में। और जैसा मैंने कहा कि हमने तो अब शरारत की बात भी कर ली, और हाथ पर बेत पड़ने की बात भी कर ली, संगीत की बात भी कर ली, गजलों की भी बात कर ली। रागगिरी की तरफ से बहुत ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, आपका संगीत सफर यूं ही चलता रहे। और जो महक है इसमें, जो जो प्योरिटी है, वो यूं ही कायम रहे। आप ऐसे ही आपके जो संगीत के संस्कार हैं उनको बचा कर रखें और मजबूत करें, ऐसी हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और वक्त निकालने के लिए एक बार फिर से बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रागिरी फॉर गिविंग मी दिस लवली लवली प्लेटफॉर्म, एंड इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर
टू टॉक अबाउट म्यूजिक, और यू नो आपने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे संगीत के बारे में, बहुत मजा आया. थैंक यू वेरी मच, इट्स ट्रूली माय प्लेजर एंड प्रिविलेज. ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें. इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा. आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं. हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे.